हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल स्वीट डिश लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी खीर। इसके लिए मैंने लगभग ये एक किलो दूध ले लिया है। इसके लिए मैंने लगभग ये एक कटोरी चीनी, आधी कटोरी बुरादा लिया है मैंने नारियल का, और ये थोड़े से पिस्ता लिए हैं, कुछ इलायची के दाने लिए हैं, जो मोटी इलायची होती है उसके दाने लिए हैं। तो चलिए खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है, उसके अंदर मैंने एक किलो दूध डाल दिया है। बिल्कुल कच्चा दूध है, ये ताज़ा दूध है। इसके अंदर मैंने आधा किलो पानी भी डाल दिया है, और ये आज हम बिल्कुल देसी टाइप से बनाएंगे। ये सिगड़ी है, ये देखिए कोयले से जलती है ये। इसके अंदर मैंने कोयले डाल दिए हैं, और ये मैंने दूध के अंदर पानी भी डाल दिया है। आधा किलो पानी डाला है, मतलब डेढ़ किलो हो गया हमारा ये। और इसके लिए मैंने लगभग एक कटोरी, छोटी कटोरी चावल लिए हैं। छोटे चावल आते हैं खीर के स्पेशल, वो लिए हैं। तो ये देखिए सिगड़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, जल चुकी है। इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनेगी धीमी धीमी आँच में। तो इसके ऊपर मैंने ये बर्तन रख दिया है दूध वाला, ये देखिए आप देख सकते हो हमारी सिगड़ी। दूध थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। तो मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए हैं, और ये देखिए लगभग 10 मिनट बाद में हम देखते हैं कि दूध और जो चावल हैं वो थोड़े मिल चुके हैं, घुल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर चीनी डाल दूँगी, और चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी इसके अंदर। धीरे धीरे बनती है खीर, लेकिन बनती है बहुत ही स्वादिष्ट। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही हमने देसी टाइप से बनाया है, बहुत टेस्टी खीर बनी है हमारी। इसके लिए देखिए ये अच्छे से घुल जाने दो। तो चलिए अब हम इसके अंदर हम नारियल का बुरादा डाल देंगे, थोड़ा सा आधा बचा लेंगे ऊपर डेकोरेट के लिए। तो इस बुरादे को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे दूध के अंदर और चावल के अंदर। ये देखिए हमारी खीर धीरे धीरे पक रही है, अच्छे से घुल जाएगी अब थोड़ी देर में। तो इसको और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैं इसके अंदर ये जो कस्टर्ड होता है जिसे हम आइसक्रीम बनाते हैं वो लिया है मैंने एक चम्मच, छोटी चम्मच। उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के और चम्मच से इसको हम मिला लेंगे। डायरेक्ट कस्टर्ड नहीं डालना वरना लम्स बन जाएंगे। तो ये देखिए मैंने चम्मच से कस्टर्ड और पानी को अच्छे से मिक्स कर लिया है अलग बर्तन में। और अब मैं इस कस्टर्ड को खीर के अंदर ऐड कर दूँगी, इससे इसका टेस्ट है वो बहुत ही लाजवाब आएगा, और इसका कलर भी बहुत ही सुंदर आ जाएगा, ये देखिए। और अब मैं इसके अंदर इलायची के दाने डाल दूँगी। बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनने वाली है, बन चुकी है वैसे तो, आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से घुल चुकी है ये। देखिए मैं अब इसको दूसरे बर्तन में निकाल देती हूँ और इसको सर्व कर देती हूँ और थोड़ा सा डेकोरेट कर देती हूँ। ये मैंने पिस्ता डाल दिए हैं, थोड़े से मैंने फूल फ्लावर डाल दिए हैं पत्ते, और ये नारियल का बुरादा डाल दिया है। इसको चम्मच की सहायता से मिक्स कर देती हूँ ताकि पूरी खीर में घुल जाएं। देखिए बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनकर रेडी हुई है हमारी, आप देख सकते हो। तो आप एक बार ज़रूर बनाएं, बहुत ही अच्छी खीर बनी है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बार एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।